हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। फ्रेंड्स, आज कोई मैं ब्लॉगिंग कुछ भी ना, मैं किसी चीज़ का कलेक्शन कुछ नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि शाम का अभी थोड़ी देर पहले मैंने काम वाम मेरा थोड़ा सा सफाई वगैरह बाथरूम क्लीनिंग था तो वो मैंने किया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आज नहाने में भी। थोड़ी देर पहले ही मैं नहा के हटी और मुझे लगा कि मैं शाम से अपना ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। लेकिन जब ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो देखा एक मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज को देख के मेरा दिमाग उड़ गया। मतलब अभी मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नई नॉलेज है उतना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कैसे मैसेज करता है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। मैं एक सिंपल सी ब्लॉगर हूँ ना। मैं किसी का कंटेंट उठाती हूँ, ना मैं किसी की कॉपी करती हूँ, ना मैं मुझे किसी से मतलब है कि कौन सा यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, कौन यूट्यूबर क्या कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना जो डेली रूटीन है, जो मेरा, मैं अपने कंटेंट्स दिखाती हूँ, ना मैं किसी का कंटेंट्स, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ किसी के कंटेंट्स में कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं दिखा रहा, मुझे उसका कॉपी करना चाहिए, मुझे उसकी बुराई करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया था। इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा शॉकिंग लगा। मैं उस मैसेज का थोड़ा सा क्या स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगी, मैं पक्का डालूंगी। और मैं किसी से डर नहीं रही हूँ। एक्चुअली मुझे धमकी मिली है चैनल हैक करने की। किस वजह से, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आप अपना चैनल बचा सकती हो तो बचा लो, मैं कुछ दिनों में आपका चैनल हैक कर लूँगी। लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, आप मुझे पसंद नहीं हो। अरे भाई, आपको मैं नहीं पसंद हूँ तो आप मेरा चैनल ना देखें ना, मेरी वीडियोज़ ना देखें। आपको मैंने इनवाइट किया है कि आप मेरा चैनल देखिए, मेरा वीडियो देखिए। जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मैं उसमें खुश हूँ। बेशक मेरे 200 व्यू जाते हैं, 300 व्यू जाते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं बोल रही मुझे 50,000 60,000 व्यूज चाहिए, ये चाहिए, मुझे जितना मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। तो मुझे, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप मेरा चैनल देखो। और किस बेस पे आप धमकी दे रहे हो, आपको मतलब आपकी सोच? और ये किसी ऐसे वैसे लोगों का नहीं है कि आम आदमी का, कि जो मतलब ये यूट्यूब देखते हैं उनका, ये नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ ये किसी यूट्यूबर का है। कोई यूट्यूबर है जो अपनी आईडी चेंज करके अरे यार इतनी बदल करके मुझे ये मैसेज कर रहा है। अगर इतनी हिम्मत है तो अपनी रियल आईडी से मैसेज करो ना। कुछ भी आके कुछ भी लिख देना है, लिख के साइड हो जाना है, आगे वाला टेंशन में मर जाए। एक छोटे, अब आप लोगों को भी लगेगा कि एक छोटे से मैसेज से, एक छोटे से इस बात के लिए मैं इतना हाइपर हो रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ हाइपर होने वाली बात है। जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता होगा कि एक चैनल को ग्रो करने में कितनी मेहनत लगती है, 1,000 सब्सक्राइबर करवाने में कितनी मेहनत लगती है, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद 4,000 आवर्स पूरे करने में कितनी मेहनत लगती है। एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम, बच्चे देखना, उसके बाद वीडियोस बनाना, ऊपर से और इतनी करने के बाद ऊपर से क्या मैं ये धमकियां मिलती है? क्यों? हमने आपका कुछ लिया है, आपसे कुछ मांगा है, आपके कंटेंट्स लिए हैं? मैं सच में बोल रही हूँ, मैं कभी इस टाइप का मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस टाइप का वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रही, मैं बहुत साफ़ सुथरा चैनल चलाती हूँ अपना, मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ कि मुझे किसी के कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो कोई किसी को मेरे चैनल से मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, एक फैमिली टाइप है। मैं वेट करती हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं उनका वेट करती हूँ कि उनका मैसेज नहीं है, शायद उन्होंने अभी मेरा वीडियो नहीं देखा।
क्योंकि मुझे उम्मीद होती है कि वो अच्छे कमेंट्स ही करेंगे, मेरे वीडियो जरूर देखेंगे। और ये जो मोहतरमा है ये जेंट्स है लेडीज है मुझे नहीं पता, इनका फर्स्ट टाइम कमेंट आया और ऐसा कमेंट आया कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बैठना पड़ा है। लिखने आप तो लिख के चली गई, ये सोचिए ना कि आगे वाले बंदे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन होगी, बुरा लगेगा। चैनल आप क्यों हैक कर लोगे, मुझे ये रीजन तुच्छा सा है, रीजन कि आप यूट्यूब के लिए सही नहीं है तो यूट्यूब वाला से करेगा ना, यूट्यूब वाला डिसाइड करेगा ना। अगर उसे मैं सही नहीं लग रही थी, यूट्यूब के लिए परफेक्ट नहीं थी मैं, तो उन्होंने मेरे चैनल मोनो क्यों किया, उन्हें तो नहीं ऐसा कुछ लगा ना। तो आप कौन होते हैं बोलने वाले कि आप परफेक्ट नहीं, आप चैनल हैक कर लोगे। अगर इतना इजी होता ना चैनल हैक करना तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना उन सबका चैनल हैक कर चुकी होती आप। अगर आप में इतनी हिम्मत होती कि मैं चैनल हैक कर लूंगी तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल हैक करते ना, मेरे चैनल को हैक करके आपको क्या मिलेगा, 5000 सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड्स मैं बस यही बोलना चाह रही थी बस कि अगर और किसी के पास भी ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं सच में डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसा मैसेज आए तो प्लीज़ लाइटली लीजिए, इन लोगों को काम ही इनका यही है, फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ले लिया मुझे जितना लेना था, आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देख लेंगे। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, ये वाली वीडियो आपको कल ये वाली वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, और जो अभी से मैं शुरू कर रही थी शाम से इवनिंग रूटीन वो आपको कल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, आप लोगों को लिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ एक बंदे को लिए बोला है जिसने ये मैसेज किया है, और जिस और ये बातें उन्हें ही बुरी लगेंगी जो इस तरीके का गलत काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय।